मफिन्स और ये इस टाइप की मैंने मोल्ड लेकर के आई थी मार्केट से, और ये भी हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर है ना रुद्रांश से है ना सबर नहीं हो रहा, रुद्रांश बहुत गर्म हो गए बेटा, अभी ठंडा होने दो, अभी नहीं खाना है। यहाँ पे मम्मी कंट्रोल कर रही है इसे, रुद्रांश प्लीज प्लीज प्लीज, बस बस जितनी देर वो वेट किया है रुक जा प्लीज प्लीज, नहीं 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 अभी कट करने दे, कट कर, चलो ना जल्दी जल्दी करो। अरे कर रहे हैं भाई, रुद्रांश से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। ये देखो कितना बढ़िया स्पंज आया ना इसमें, ये देखो नानी से जबरदस्ती छीना है इस लड़के ने। अब बता कैसा बना है, मजा आ गया, मजा आ गया, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है प्लम केक। तो दोस्तों आज हमने बनाया है प्लम केक, क्योंकि क्रिसमस आने वाली है ना, और ये रेसिपी चाहिए ना आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा यम्मी बनी है और बहुत टेस्टी है और बिना तामझाम के, क्योंकि सिंपली मिनल पे मिलती है आपको बिना तामझाम की रेसिपीज। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपना क्रिसमस वाला प्लम केक, और वो भी बिना अंडे के और बिना और किसी तामझाम के, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किचन में। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से कोई से भी ले सकते हैं, और आपको कम से कम ये 1 से 2 घंटे भिगोने हैं, मैं यहाँ पर 4 से 5 घंटे के लिए भिगो रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ये खरबूज के होते हैं ना बीज, ये वो लिए हैं, आपको तरबूज के मिले तो डालिए, खरबूज के मिले तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए। तो इसमें मैंने ना टूटी फ्रूटी ले लिए काफ़ी सारी, ये 3 कलर में है, रेड येलो और ग्रीन, जो बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। और साथ में मैंने लिए हैं खजूर, ये ड्राइड वाले खजूर होते हैं ना ये वो हैं, और इन्हें मैंने कट कर लिया है, ठीक है। ये जो करौंदे होते हैं ना मीठे वाले, जो पान वाली दुकान पे मिल जाते हैं, तो ये 4 से 5 मैंने ले लिए, क्योंकि मेरे पास क्रैनबेरी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो यही ले लेती हूँ, ये भी बड़ा टेस्ट इनका अच्छा आता है। मैंने बादाम लिए थोड़े से और इसे गोल गोल कट कर लिया है। काली वाली किशमिश होती है वो ली है, ब्लैक रेजन ये भी ले लिए हैं, और थोड़े से काजू लिए इन्हें भी चॉप कर लिया है, थोड़ी सी येलो वाली जो किशमिश होती है वो लिए है। ये जो ब्लैक वाली किशमिश है ना ये सीडलेस है, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सीड नहीं होने चाहिए, या किसी किसी में वो डंडी भी निकली रहती है ना वो भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ड्राई फ्रूट्स आपकी जो मर्जी हो वो ले सकते हैं, आपके पास जो घर में अवेलेबल है ना सामान आप उससे बना सकते हैं, बट खजूर का और टूटी फ्रूटी का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है, इसीलिए हम डालेंगे इसमें। तो इसके लिए देखिए मुझे क्या करना है, इसको मैं भिगो रही हूँ, तो भिगोने हमें है ना ऑरेंज जूस के अंदर है, ठीक है। देखिए गिर भी गया, ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, ऐसे मैं कट करके डालूंगी भी। यहाँ पर मैंने कट कर लिए हैं, और करीब 1/4 कप में मैं ना आधा कप एक बार ले लिया, फिर थोड़ा सा और हम जूस लेंगे, और उसमें हमें भिगो देना है ड्राई फ्रूट्स को, ठीक है। तो ड्राई फ्रूट्स ने अकॉर्डिंग ही जूस डालिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि किशमिश ज्यादा हो गई तो जूस थोड़ा सा हमें ज्यादा यूज करना है, तो जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स है ना उस हिसाब से आप भिगो लीजिएगा, थोड़ा आप बीच बीच में चला भी लीजिएगा ताकि ऊपर नीचे हो जाए, ज्यादा जूस का भी नहीं यूज करना है। देखिए इस तरीके का हमें जूस डालना है कि बस हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है हल्के भीगे रहें, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो जूस है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपके पास ग्रेप जूस है ना तो आप वो भी डाल सकते हैं, और अगर आप ताजा ऑरेंज का जूस लेना चाहें ना तो वो भी ले सकते हैं। मैंने 4 घंटे के लिए भिगो करके छोड़ दूंगी, ठीक है। और देखिए कलरफुल कितनी खूबसूरत लग रही है ना, सोक कर लिया था, कितने बढ़िया हमारे ड्राई फ्रूट्स भीग गए हैं कलरफुल। और खजूर देखिए, खजूर का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, अगर आप खजूर स्किप करना चाहो ना तो आप स्किप कर सकते हो, बट मुझे प्लम केक में खजूर बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं डालती हूँ, ठीक है। तो अब ये हमारा ड्राई फ्रूट जो है तैयार हो गए हैं, और इधर आ गई है मम्मी गैस पर, गैस जलाओ मम्मी, आज मैं सिखा रही हूँ मम्मी को केक बनाना, मम्मी तो हमें पुराना केक बनाना सिखाती थी, हैं मम्मी, आज मैं सिखा रही हूँ इन्हें प्लम केक बनाना, ठीक है। तो गैस जला ली है, यहाँ पर मैं 1/3 कप चीनी डाल रही हूँ मीडियम आंच पर, और इसे आपको चलाते रहना है, रुकना बिल्कुल नहीं है, जलनी नहीं चाहिए हमारी चीनी, ये देखिए मेल्ट करना है इसे, इस काम में है ना हमें 4 से 5 मिनट लगने वाले हैं, इसे आप है ना लगातार चलाते रहिएगा जब तक ये आपकी चीनी जो है मेल्ट ना हो जाए। ये देखिए चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई ना, तो अभी इसकी चाशनी इस तरीके से बन जाएगी, बट लगातार आपको चलाते रहना है, ठीक है। यहाँ पर मम्मी ने स्पैचुला चेंज कर लिया है, वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो ये देखिए अच्छे से हमारी चीनी मेल्ट होने लग गई है, ये देखिए चीनी पिघलने लग गई ना, बस 1 मिनट और हमें लगना है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है, गैस बंद करके आपको पानी डालना है, और थोड़ा देख करके डालिएगा, ये उछलता है थोड़ा, सारा पानी डाल दें बंद कर,
ये देखिए सारा पानी डाल देंगे। ये देखिए अभी पता है ये क्या थोड़ा सा है ना चिपकने से लगेगी, देखिए एकदम गुठली सी हो जाएगी, तो डरना नहीं है आपको। इसको है ना हल्का सा मतलब थोड़ा सा हो जाए ना ठंडा, थोड़ा सा ये हो जाए तो गैस जला लेंगे हम, इसे चलाते रहेंगे ठीक है। आपको ज़्यादा कुक नहीं करना है, अगर आप ज़्यादा कुक कर लोगे तो इसमें जले जले की महक आने लगेगी ठीक है। तो बिल्कुल जैसी चीनी पिघलेगी आपको पानी डालना है। तो देखिए गैस जला ली है हमने, और अब इसे बस थोड़ा सा हमें गलाने तक, इसके मतलब जब तक ये गांठ की जो है गल ना जाए तब तक हमें इसे बॉईल लेना है। उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। तो हमारा क्या तैयार होगा मम्मा? कैरामिल। कैरामिल है ना, तो हमारी कैरामिल तैयार हो जाएगी। ये देखिए अब पिघल गई है, तो अब हम कर देंगे गैस को बंद। तो देखिए तैयार हो गई है, तो अब यहाँ पर मम्मी बंद कर दे रही है और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है ठीक है, ऐसे ही आपकी कैरामेल बननी चाहिए। देखिए हल्का सा इसका हमें दिखाना जरा, हल्की ब्राउन कलर आ गई है ना, ये देखिए ये बिल्कुल सही तरीका है ठीक है। और इसे भी थोड़ा सा ठंडा होने रख देंगे। तब तक हम आप तैयारी कर लेते हैं अपनी टिन वगैरह की और केक की। यहाँ पर मैंने ना दो छोटे छोटे बनाऊंगी, वैसे तो आप चाहें तो बड़ा साइज का भी बना सकते हैं, बट दो मैं बनाऊंगी ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा ये वाला बाउल ले लिया एल्युमिनियम का, और एक ये लिया है ठीक है। और यहाँ पर हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल कर देंगे ठीक है, ऐसे करके बस हल्का हल्का सा आपको ब्रश कर देना है, ऐसे ही इसमें कर देंगे। तो उल्टा करके हम इसके साइज का ले लेंगे और फिर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मम्मी बिछा देंगे, नीचे तली में हो गया ठीक है। ऐसे ही हम किनारे का भी ले लेते हैं, किनारे का चाहे तो आप साइड से ऐसे ले लेंगे ठीक है। इस तरीके से हम किनारे पे भी लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने ना इको बेक की ये बटर पेपर यूज़ किया है बेकिंग एंड कुकिंग के लिए। आप चाहें तो नॉर्मल स्टेशनरी की शॉप पर जाकर के बटर पेपर ले सकते हैं, 1-1.5 रुपए का आता है। ये हमने लगा दिया है, और बस हल्का सा हमें बस नीचे ग्रीसिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, बस एक ब्रश से हमें लेकर के थोड़ा सा ऑयल ठीक है, बस ज़्यादा नहीं किनारे किनारे पे। और ये देखिए मैं आपको एक दिखा रही हूँ कि बटर पेपर के बिना भी हमारा जो केक है वो बनके तैयार हो जाएगा। बस हमें है ना किनारे पे ऑयल लगा देना है, और नीचे भी अगर आप बेस में लगाना चाहो तो बेस में भी लगा सकते हो। ये देखिए ऐसे ऑयल लगा देना है ताकि हमारा केक इससे भी आसानी से निकल आएगा। तो मैं आपको दोनों तरीके से दिखा रही हूँ। तो अब हमारा केक टिन तैयार हो गया है, तो अब हम अपने ओवन को भी तैयार कर लेते हैं। अभी मैंने अपने ओवन को है ना 150 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, और अब हम अपने केक की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 कप हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। ये देखिए ये लिया है हमने सनफ्लावर ऑयल 1/3 कप ठीक है। और सनफ्लावर ऑयल में है ना थोड़ा सा रिफाइंड जो होता है उसमें स्मेल नहीं होती है, तो आप भी कोई भी ऑयल लें इसमें स्मेल ना हो ठीक है। और इसे अभी हमें है ना 2 मिनट के लगभग विस्क करना है, अच्छे से मिल जाएगी चीनी और ऑयल। ये 2 मिनट हो चुके हैं, और अब इसमें हम डाल लेते हैं ये जो कैरेमल हमने तैयार करी थी ना वो डाल लेते हैं। और ये ठंडी हो गई है, देखिए इससे कलर बहुत अच्छा आएगा ठीक है। तो देखिए मम्मी जब तक फेंट रही है तब तक मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस भी डाल लेती हूँ इसमें ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारे अपने ड्राई फ्रूट्स डाल ले रही हूँ ठीक है। आप देख लीजिएगा मैं थोड़े से बचा लेती हूँ, थोड़ा सा केक में हम और डालेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1.5 कप मैदा, और इसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून ये हमारा दालचीनी का पाउडर है, 1/4 टीस्पून हम डाल रहे हैं सौंठ पाउडर। ये प्लम केक का जो टेस्ट होता है ना थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसमें ना थोड़े सर्दियों के मसाले पड़ते हैं। ये मैं थोड़ा सा जायफल डालूंगी बहुत, 1 चुटकी के लगभग मिक्स करके। और 1/4 चम्मच है ना मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। ये देखिए ये सारे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा, और अच्छे से हमें ना पहले चम्मच से मिक्स कर लेते। और यहाँ पर 1/4 कप मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर ठीक है, ये भी हमें डाल लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम। तो देखिए मिक्स करना शुरू कर दिया है। तो अगर आपको है ना अपना जो मिक्सचर है वो थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 3-3 स्पून करके दूध ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद मुझे कम ही लग रही है, तो मैं बस 1-2 चम्मच के लगभग दूध ऐड करूंगी ठीक है। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा, कभी क्या होता है ना थोड़ा बहुत अगर मेजरमेंट गड़बड़ हो गया ना तो थोड़ा सा गाढ़ा बन जाता है। इतना सुंदर इसमें ड्राई फ्रूट्स लग रहे हैं ना, और खाने में कितना अच्छा लगेगा ये। तो बहुत सारे लोगों को है ना प्लम वाला चॉकलेट केक पसंद होता है ना, तो इस टाइम आप चॉकलेट पाउडर जो होता है ना कोको पाउडर जो होता है वो आप डाल सकते हैं 1 चम्मच ठीक है। तो 1.5 चम्मच हमें यहाँ पर डालना है बेकिंग पाउडर। ये देखिए
और लेवल में करके आधा स्पून हमने ये डाल दिया है बेकिंग पाउडर। और यहाँ पर ये लिया है मैंने मीठा सोडा, ये हमें डालना है आधी टीस्पून, ठीक है, ये देखिए हाँ। और इसे हमें फटाफट चला लेना है, ठीक है, ये देखिए ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। अब यहाँ पर हमें डालनी है 1 से 2 टीस्पून सिरका, इसका फ्लेवर अच्छा आता है, ठीक है, ये देखिए। और जैसे ही हम सिरका डालेंगे ना इसमें फिर रिएक्शन होने लगेगा। 1 चम्मच और एक्स्ट्रा कर लिया तो 2 चम्मच टोटल हमारे सिरका हो गया है। अब देखिए जैसे ही मिक्स करेंगे ना वैसे ही हल्का हो जाएगा थोड़ा सा, ये देखिए कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा थिक रहता है, ठीक है, और अंदर से जाली भी पड़ती है, बट थोड़ा सा ये प्लम केक जो रहता है ना थिक रहता है। थोड़ा वोडा और सिरका वगैरह डालने के बाद कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा लूज है, ठीक है। तो अब हम इसमें है ना टिन में डाल देते हैं और टिन हमें आधा ही भरना है, ठीक है। तो जो टिन है वो आधे से भी कम है हमारा, और इसे आपको टैप टैप करके है ना नहीं करना है स्लैब पर, बस आप इसे स्पून से ही लेवल करेंगे। अगर आपने टैप टैप किया ना तो क्या होगा, इससे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो हिलाना नहीं है, मतलब ऐसे स्लैब पे जैसे मारते हैं ना वैसे नहीं करना है, सिर्फ आपको स्पून से लेवल अप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे टिन में भी निकाल लिया है, ठीक है, और आधा ही रखना है। अगर हम ज्यादा भर देंगे ना तो क्या होगा, वो केक ढंग से फूलेगा नहीं, ठीक है। तो दोनों टिन तैयार हो गए, ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल देती हूँ, ये देखिए। तो जो जो ड्राई फ्रूट्स आपको ऊपर डालने हो, काजू है, किशमिश है, टूटी फ्रूटी है, और ये देखने में सुंदर लगते हैं इसीलिए मैं डाल रही हूँ। तो मम्मी ये केक आपने पहली बार ट्राई किया ना? हाँ ये ट्राई किया, ये नहीं बनाया। का केक तो मैंने बहुत बनाया, मार्बल केक बनाया है, और क्या कहते हैं उसको, चॉकलेट केक बनाया है। अच्छा, और तो ये लेकिन ये डिफरेंट है ना, क्योंकि रम केक, अच्छा हाँ, कोई लोग है ना रम केक बनाना चाहते हैं तो रम ला के है ना आप ऑरेंज जूस की जगह रम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें ना काजू वगैरह लगा ली है, और थोड़ी सी मैं ब्लैक रेजन भी डाल दूंगी। अब हम इसे 160 से 70 डिग्री पर ओवन में बेक करने के लिए डाल देंगे। ये मैं दोनों ही एक ही टाइम में रख दे रही हूँ, दोनों मेरे एक ही में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने रख दिया है और इसे 30 मिनट के लिए रखूंगी कम से कम, उसके बाद एक बार चेक करूंगी, उसके बाद फिर टाइम अगर लगता है कि पका नहीं है केक तो और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 30 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं खोल लेती हूँ केक, और 30 मिनट हो चुके हैं। तो ये मैंने एक स्टिक ली है और इसे मैं डालकर देख लेती हूँ अंदर। ये देखिए अभी हमारा केक बना नहीं है, हल्का सा है ना मॉइस्चर आ रहा है, तो अभी हमें इसे थोड़ी देर पकने और देना, 10 मिनट का और लगाएंगे हम, ठीक है। तो अभी इसे हम बंद कर देते हैं, और देखिए आप कितना बढ़िया कलर आ रहा है। 10 मिनट और हो चुके हैं और अब हम देख लेते हैं, ये देखिए कलर कितना बढ़िया आया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं एक बार, ये देखिए नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा केक इस टाइम बिल्कुल तैयार है। तो मैं निकाल लेती हूँ केक को इस ओवन से। तो 40 से 42 मिनट लगे हैं हमारे केक को बनने में, और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, कितने बढ़िया कलर आया है, ये देखिए। तो अब मैं इसे ट्रे में से निकाल लूंगी है ना, और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जो केक टिन में से निकालना है ना, वो जब ठंडा हो जाएगा ना केक रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तभी निकालना है, अगर उससे पहले निकालोगे आप तो आपका केक टूट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ना और भी बना ली थी मफिन जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा था, ये देखिए मफिन्स, और ये इस टाइप की मैंने मोल्ड लेकर के आई थी मार्केट से, और ये भी हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। मैं खूबसूरत लग रहे हैं ना केक, ये देखिए प्लम केक और नॉर्मल केक, मतलब मैंने इसमें थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर भी डाल दिया मफिन में, तो कितना खूबसूरत लग रहा है, वाओ। आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पर है ना रुद्रांश से है ना सबर नहीं हो रहा, रुद्रांश बहुत गर्म होंगे बेटा, अभी ठंडा होने दो, अभी नहीं खाना है, यहाँ पे मम्मी कंट्रोल कर रही है इसे। रुद्रांश प्लीज प्लीज प्लीज, बस बस जितनी देर वो वेट किया है रुक जा, प्लीज प्लीज, नहीं 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 अभी कट करने दे, कट करने दे, कट करने दे अभी, बस 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 बस। तो यहाँ पर है ना मम्मी थोड़ा सा साइड से चाकू से निकाल लेनी है, ये देखिए हल्का हल्का तेल लगा के चाकू में ऐसे कर लेना है, ताकि थोड़ा सा केक है ना पकड़ छोड़ दे अपना। और ये तो देखिए एज इट इज ही निकल रहा है, ये देख रहे हैं आप, अपने आप ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर रुद्रांश निकाल रहे हैं केक, बस आराम से, ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया, देख रहे हैं ना,
और ये भी बड़ी आसानी से निकल जाएगा। मैं हाँ भाई तू ही, ये देखिए कितना बढ़िया है ना, ये देखिए इसके ऊपर ऐसे अभी से उल्टा तो करो। अरे उल्टा केक खाएंगे हम तो। हाँ उल्टा ही खाना था। मजा आ गया, ये तो बड़ा अच्छा केक है, दिख रहा है ना अच्छा। दूसरा भी निकलवा, इधर रख दे। अच्छा फिर उसके बाद हम इसको तो ऐसी टीजी निकाल लो। अच्छा ऐसी टीजी देखो आराम से निकल जाएगा, ये देख रहे हैं बड़ा अच्छा केक है। ये देखो साइड से देख रहे हैं ना, बिल्कुल आराम से छूट रहा है। चलो नानी जल्दी जल्दी करो। अरे कर रहे हैं भाई, रुद्रांश से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। जब तक मैं यार ट्राई करके बताऊं। नहीं 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 अभी ट्राई मत करो, पहले ये वाला करो। देखो मम्मी पहले स्पंज दिखा दो जरा। ये देखिए देखिए ये मेरा, ये मेरा। हाँ हाँ आपका है, ये देखो कितना बढ़िया स्पंज आया ना इसमें, बढ़िया। और खजूर से तो बहुत ही ज्यादा यम्मी लगने वाला है। तो इसी तरह से और भी पीस कट कर लेते हैं। ये देखो नानी से जबरदस्ती छीना है इस लड़के ने। अब बता कैसा बना है? मजा आ गया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। प्लम केक क्रिसमस वाला केक लग रहा है ना, ये बहुत दिन से डिमांड कर रहा था क्रिसमस वाला केक। मजा आ रहा है? कुछ तो जली जली है ना। अब तुझे कुछ नहीं पता चलेगा इसमें क्या क्या है। मिस्ट्री केक है, तुझे जब रेसिपी देखेंगे ना तभी पता चलेगा। तो रुद्रांश का तो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, कह रहा है नानी से मुझे एक और चाहिए। ये देखिए 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 इस लड़के को जरा ध्यान से देखिए, मुंह में भर रखा है इस लड़के ने, और नानी चुपचाप दिए जा रही है। ये देखिए अभी रुक जाओ, ये क्या एक और। तो गाइस अगर आपको ये प्लम केक की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हाँ और मुझे ऐसी अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहे है ना। रुद्रांश यार लिमिट में खा, चल ओके चलो बाय बाय बाय।